आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर में से टॉपिक डैम्प ऑसिलेशन को पढ़ेंगे, जो चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले मैं चैप्टर के सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूँ, ये सिर्फ लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बच गया। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, नहायत ईजी। तो इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ऑसिलेशंस इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद टाइम ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। ऑसिलेशंस क्या होती हैं? वाइब्रेशंस होती हैं, समझ लें मूवमेंट्स, वाइब्रेशंस किसी भी बॉडी की। जब वो मूव कर रही है उस टाइम वाइब्रेट भी करती है, अप डाउन, तो ये उसकी वाइब्रेशंस हैं, ऑसिलेशंस हैं। वाइब्रेशंस को ऑसिलेशंस ही कहते हैं। तो ऐसी वाइब्रेशन जिनमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये एक वेव अगर जा रही है, वेव तो उसको यूँ ऊपर नीचे जाती है, ये तो अगर इस तरह जा रही है एम्पलीट्यूड इसका कम है, तो अगर उसी के मुकाबले में इस तरह बड़ी वेव है तो ये इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो ये तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया एम्पलीट्यूड। तो ऑसिलेशन, ऐसी ऑसिलेशन जिनमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो, ये एम्पलीट्यूड है, ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसी ऑसिलेशन वाइब्रेशंस जिनमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो विद टाइम, टाइम के साथ ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ज़ाया हो जाने की वजह से। ये एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी के वजूहत हैं, ये भी हम पढ़ते हैं। तो डैम्प ऑसिलेशंस, डैम्प ऑसिलेशंस कौन सी ऑसिलेशंस, कौन सी ऐसी ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मतलब ही है जिनकी ऐसी ऑसिलेशन जिनका एम्पलीट्यूड कम हो जाए वक्त के साथ, जिनका एम्पलीट्यूड यानी ये एम्पलीट्यूड यानी ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड इनका कम हो रहा है। तो ऐसी ऑसिलेशन जिनका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ कम होता जाए ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, हम देखेंगे क्यों लॉस ऑफ एनर्जी होती है कैसे। और दूसरी डेफिनेशन इसकी, ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड बिकम स्मॉलर। ऐसी ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड छोटा होता जाए, इस तरह इस वक्त जिस तरह एम्पलीट्यूड ज़्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, बिकम स्मॉलर। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी बिकम स्मॉलर ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। अब कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, जो एम्पलीट्यूड होता है उस ऑसिलेटिंग बॉडी का, वाइब्रेट जो कर रही होती है बॉडी, बिकम स्मॉलर ड्यू टू फ्रिक्शन। स्मॉल क्यों होता है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका, या जिस तरह कोई गाड़ी मूव कर रही है उसका एम्पलीट्यूड कम क्यों होगा या बॉडी? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वह फ्रिक्शन आपस में रगड़ खाएंगे चीज़ें, इस वजह से उनके एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंट, और हवा का भी दबाव होगा उस पर। एक फ्रिक्शन की वजह से उसका एम्पलीट्यूड उस कम होगा, दूसरा एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर उस पर रजिस्ट करेगी, उसको आगे मूव नहीं करने देगी, उसके एम्पलीट्यूड कम करेगी। तो दो वजूहतें होगी एक्सप्लेनेशन में। और दूसरा, एज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर जो चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है, एज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज़ यूज इन डूइंग वर्क अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेज, दैट इज़ वाई एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद टाइम टिल इट बिकम जीरो। कह रहा है एज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज़ यूज इन डूइंग वर्क, कह रहा है जो एनर्जी होती है ऑसिलेटर की, जो ऑसिलेट कर रही होती है बॉडी, वो यूज़ हो जाती है वर्क करने में, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही होती है, तो वो ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो यूज़ हो जाती है वर्क में, तो लॉस ऑफ एनर्जी हो गई, तो एम्पलीट्यूड कम होगा। एक तो हम पढ़ चुके हैं रीज़न, क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एम्पलीट्यूड कम होगा और डैम्प ऑसिलेशंस होंगी। दूसरा, एक एनर्जी खुद वो बेचारी वो काम कर रही है बॉडी, ऑसिलेटर काम खुद कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि वर्क में एनर्जी यूज़ हो जाएगी अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेज, रेजिस्टिव फोर्सेज उनके अगेंस्ट वर्क कर रही है तो उसकी एनर्जी यूज़ हो जाएगी, दैट इज़ वाई एम्पलीट्यूड डिक्रीज। इसी वजह से एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज होगा, और जिन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है ऑसिलेशंस का, वो डैम्प ऑसिलेशंस होती हैं, और विद टाइम टिल इट बिकम जीरो, टाइम के साथ जब तक वो जीरो बन जाए। अब इसका हम ग्राफ देखेंगे, और साथ ही साथ ये तो डैम्प ऑसिलेशन थी, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जिनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज ना हो टाइम के साथ, बिल्कुल आइडियल हों वो, तो वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होती हैं। उनकी डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, ऑसिलेशन विच एम्पलीट्यूड डज नॉट डिक्रीज इज कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसका ग्राफ हम देखते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन इनकी ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड कैसे कम, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कैसे कम होता है। शुरू में ये इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, हाईएस्ट पॉइंट तक जा रहा है, नीचे ट्रफ तक हाईएस्ट पॉइंट, फिर क्रस्ट आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ये आगे तक कम होता जा रहा है। क्यों? एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। ये एयर रेजिस्टेंस जो फ्रिक्शन की वजह से इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। इसका ग्राफ भी आप इस तरह बना सकते हैं, एक लाइन वेव बनाएं, उसके पहले ट्रफ नीचे तक ज़्यादा करें, फिर क्रेस्ट ऊपर तक हाई होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लो होते जाएंगे, और उसकी उस एम्पलीट्यूड जो होती है हाईएस्ट लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट जो होते हैं वो कम होते जाएंगे और लो होता जाएगा उसका एम्पलीट्यूड। तो ये डैम्प ऑसिलेशन का ग्राफ है। अब एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, एप्लीकेशन क्या? एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन इज शॉक अब्जॉर्बर। अब एक एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे डैम्प ऑसिलेशन की जिसमें एम्पलीट्यूड कम होता है, वो क्या है? वो शॉक अब्जॉर्बर है जो गाड़ियों में होते हैं शॉक्स। जब किसी जंप में से गाड़ी सही स्पीड में जा रही हो और जंप अगर आ जाए तो एकदम से वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, अगर वो जंप लगे गाड़ी का तो गाड़ी एकदम उछलेगी ऊपर की तरफ। लेकिन जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनका नाम इसलिए शॉक है, ये एम्पलीट्यूड उसका
डिक्रीज़ कर देते हैं, उसकी स्पीड कम कर देते हैं, एम्पलीट्यूड कम कर देते हैं, तो ये इसकी एक डेली लाइफ में एप्लीकेशन है। अब एक और कंसेप्ट है डैम्पिंग, क्लास फर्स्ट ईयर में। तो डैम्पिंग क्या है? डैम्पिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज लॉस्ट बाय ऑसिलेटिंग सिस्टम। डैम्पिंग भी इजी सा कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी लॉस्ट की जाए एक ऑसिलेटिंग सिस्टम से, तो डैम्पिंग है। और जो डैम्प ऑसिलेशन थी इसकी एक्सप्लेनेशन और ग्राफ, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। टॉपिक बहुत ईजी है। तो अगली वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।